37 रुपीज़ के आसपास इन्होंने अच्छी क्वांटिटी करीब 2,450 क्वांटिटी खरीदी है। देखिए पीएनबी और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें डेफिनेटली हम लोगों ने एक अच्छी रिवाइवल देखी है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। तो जो बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी डिपॉजिट्स को लेकर, बिकॉज उनकी जो क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो है वो एक कंसर्न रह रही है, बिकॉज जो निवेशक है जो डिपॉजिटर्स हैं काफी वो फ्लो जो है वो म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है, बिकॉज नाउ म्यूचुअल फंड में जो फ्लो है दैट इज ऑफ द टोटल ईएम इज ऑलमोस्ट 25% ऑफ द डिपॉजिट्स। तो बैंक्स के लिए जरूर ये चैलेंज आने वाले समय में रहेगा कि किस तरह से वो अपने डिपॉजिट्स और जो क्रेडिट ऑफटेक है उसको मैनेज करके बैलेंस करके चले, क्योंकि इस पे आरबीआई ने भी काफी बार कहा है। तो ये एक चैलेंज जरूर रहेगा। हालांकि पीएनबी इज आई वुड से परफॉर्मेंस वाइज भी देखे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज बीन डूइंग क्वाइट वेल। जून क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का एक प्रॉफिट रहा है कंपेयर टू मार्च क्वार्टर। तो ओवरऑल वो अपनी पोजिशन में फिलहाल बने रह सकते हैं और मतलब उसको यदि लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ही कैन कीप। यदि ये मतलब एक टेक्निकल लेवल है, यदि 90-92 के नीचे ट्रेड करने लगता है देन वी कैन से कि एक टॉप इसमें बन गया है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ही कैन कीप अ क्लोज वॉच ऑन, नजर बना के रखिएगा। 90-92 तक अगर जाता है तो वो पता लगेगा कि एक टॉप बनाकर वो रिट्रैक्ट हुआ है। बहरहाल